हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आमिना। मैं आज आपके लिए लेके आई हूं एक इंटरेस्टिंग रेसिपी वेजिटेबल पुलाव की, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। देखिए दोस्तों, हम लोग को चाहिए ये सब इंग्रेडिएंट्स वेजिटेबल पुलाव के लिए। आइए देखते हैं क्या क्या चाहिए हमको। यहाँ पे मैंने लिया है एक मीडियम साइज की कटी हुई बारीक प्याज, कटा हुआ हरा धनिया, कस्तूरी मेथी, चार हरी मिर्चें, कटा हुआ पुदीना, चार मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर, दो टेबलस्पून अदरक लहसुन। यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स लिया है जो मेरे पास अवेलेबल थे, एक आलू, बीनीस, सेम और गाजर। आपके पास जो अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। यहाँ पे मसाले चाहिए मिर्ची, धनिया, हल्दी और नमक। चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ा लिया है। अब मैं इसमें आधा कटोरी तेल डालूंगी। आप कितनी वेजिटेबल पुलाव बना रहे हैं उस हिसाब से तेल डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे आधा टेबल स्पून जीरा। इसको अच्छे से लाल करना है। अब इसमें हम डालेंगे हमारी कटी हुई प्याज और इसको भी अच्छे से लाल कर लेंगे, जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको फ्राई करके आती हूँ। देखिए हमारी प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसमें हम लोग मसाले डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर हमारे सूखे मसाले इसमें डालेंगे, थोड़ा सा पानी भी डालेंगे जिसमें अच्छे से फ्राई हो सके। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है एक टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, एक टेबल स्पून धनिया का पाउडर और आधा टेबल स्पून हल्दी। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। मुझे थोड़ा मिर्ची कम लगी तो मैंने आधा टेबल स्पून और डाल दिया। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इन सबको अच्छे से भून लेना है हम लोगों को। सारे मसाले अच्छे से भुनने चाहिए। जब हमारे मसाले अच्छे से भुन जाएंगे तो हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। देखिए दोस्तों, मेरा मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हमारा हरा धनिया कटा हुआ और पुदीना, हरी मिर्ची और कस्तूरी मेथी। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने सब चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। कितने अच्छे से भुन गया है मेरा मसाला, देख सकते हैं आप लोग। अब इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर, इसको भी अच्छे से मिलाएंगे। टमाटर भूनने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालना भूल गई थी मैं, तो इसमें मैंने दो एंड आधा चम्मच नमक ऐड किया है। आप अपने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा पानी डाल के इसको भूनने के लिए रख देंगे। टमाटर जब अच्छे से भुन जाएंगे तब हम आते हैं। देखिए हमारे टमाटर अच्छे से भुन चुके हैं, पूरे
पूरे गल गए अच्छे से टमाटर। अब हम इसमें अपनी सब्जियां ऐड करेंगे। मैंने सारी सब्जी ऐड कर दी है। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसमें पानी डाल के इसको चढ़ा देंगे सब्जियां गलने के लिए। अभी चावल नहीं डालना है हम लोगों को। एक गिलास पानी डाला है मैंने यहाँ पे, इसको गलने के लिए रखना है। जब सब्जियां अच्छे से गल जाएंगी तब चावल डालना है। मैंने यहाँ पे 2 सीटी ली थी सब्जियां गलाने के लिए। देखिए अच्छे से गल चुकी है मेरी सब्जियां। और मैं आपको बताना भूल गई थी, मैंने चावल यहाँ पे धो के रखे हैं। 2 गिलास चावल धो के रखे थे मैंने। आप किस हिसाब से बना रहे हैं उस हिसाब से आप चावल ले लिए और वेजिटेबल्स ले लिए। मैंने यहाँ पे 2 गिलास चावल की वेजिटेबल पुलाव बनाया था। अब मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी और ऐड किया है। अब मैं 2 सीटी और लूंगी अच्छे से बनने के लिए। देखिए दोस्तों मेरा वेजिटेबल पुलाव बनके रेडी है। कैसा लग रहा है दोस्तों ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। आपको और कौन कौन सी रेसिपीज चाहिए और अगर आपको मेरे बारे में और जानना है तो मुझे कमेंट करिए मैं कैसी वीडियो बनाऊँ। अल्लाह हाफिज़।